एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन पर। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो, एक नया लेसन, एक नया लेक्चर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि इस टॉपिक में अपनी पूरी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इसमें समाहित है। तो अपन देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो इसके की पॉइंट्स में अपना पहला की पॉइंट है वो है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे सेकेंड सेगमेंट में। सेकेंड सेगमेंट है अपना टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला सेगमेंट व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। दूसरा सेगमेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसके बारे में कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जो विद्वानों ने थ्योरीज दी है वो क्या है। नंबर तीन हमारा जो सेगमेंट है, नंबर तीन जो हमारा की पॉइंट है वो है व्हाट इज अ नाउन। हम इस टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग अपन नाउन के बात भी करेंगे क्योंकि नाउन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। और जो चौथा जो हमारे पास की पॉइंट रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने प्रकार की होती है। तो हम एकदम स्टार्टिंग से एकदम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं What are parts of speech? Parts of speech कहते किसको हैं? कोई भी एक sentence है, मैं इसको एक example से start करता हूं तो उससे अपने लिए आसानी रहेगी अपन को समझने में कि भाई अलग अलग प्रकार के parts of speech कैसे work करते हैं एक sentence के अंदर, असल में होते क्या है वो अपना clearance आ जाएगा। Let's talk about this sentence. The sentence is, I looked at him surprisingly. मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने उसे देखा surprisingly आश्चर्यजनक रूप से, आश्चर्य करते हुए, surprised होकर। इसमें मैं प्रत्येक वर्ड को आपको एलबरेट करके बताऊंगा, एक एक जो इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड आ रखे हैं हम प्रत्येक वर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है आई। आई एक प्रोनाउन होता है। लुक्ड, लुक्ड इसमें है वर्ब। एट, प्रीपोजिशन। हिम, प्रणाम। सरप्राइजिंगली एडवर्ब। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है और इस प्रत्येक सेंटेंस के लिए जो मैंने ये नाम दिए हैं यही नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इससे हमें सीखने को ये मिल रहा है, इस वाक्य से, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड होते हैं वो वर्ड कोई ना कोई रोल निभाते हैं, वो जो वर्ड होते हैं कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं। और एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर जो वर्ड आ रखे हैं वो उस वाक्य में जो काम करते हैं दैट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कहते हैं, उस चीज को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है उसके लिए एक और वर्ड काम में लिया जाता है, वर्ड क्लास। ये जो है समझने में अपने को और आसान करेगा कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्लासिफिकेशन है, वो एक कैटेगराइजेशन है जो हमें एक वर्ड की क्लास बताता है कि वो किस क्लास का वर्ड है। अलग अलग प्रकार के शब्द हैं अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर, उनमें से वर्ड्स की कैटेगरी होती है कि भाई ये वर्ड्स हैं इस कैटेगरी में आते हैं, ये वर्ड्स हैं इस कैटेगरी में आते हैं और ये वर्ड्स हैं इस कैटेगरी में आते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन है, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये चीज अपने को समझने लायक है, ठीक है। अब
इसकी एक अपन जो सिस्टमेटिक जो इसकी डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है इसकी, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इसकी। एवरी वर्ड अंग्रेजी लैंग्वेज का हर शब्द, यहां तक कि जो शब्द मैंने खुद लिखे हैं यहां पे वो शब्द भी, एवरी वर्ड फॉल्स इन अ सर्टेन क्लास इन अ सर्टेन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द वर्क डन इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक वर्ड, हर जो वर्ड है वो वर्ड एक फिक्स कैटेगरी के अंदर आता है, उस वर्ड की एक कैटेगरी होती है। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसी क्लासिफिकेशन को, ये जो वर्गीकरण है, इसी को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कुछ वर्ड लिख लिए, राम, श्याम, मोहन, सीता, ये एक कैटेगरी हो गई। आई, वी, यू, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। ये एक और कैटेगरी हो गई। And so on. इसी प्रकार हर वर्ड है वो किसी न किसी एक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये जो टोटल कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को ही कहा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये तो अपना था पहला पॉइंट कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। वापस समझा देता हूं, कोई भी वर्ड इस जो हमारी भाषा है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उस इंग्लिश लैंग्वेज का प्रत्येक वर्ड, हर वर्ड एक फिक्स कैटेगरी के अंदर आता है, उसका एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, और उसी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप तो इसको इतना समझ लो कि हर वर्ड किसी ना किसी वाक्य में कोई ना कोई रोल निभाता है, और वो जो उसका रोल है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बस यही ध्यान अपने को रखना है। अब हमारे सामने सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट ये है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? देखो ऐसा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। इस भाषा के कई विद्वान हुए हैं, कुछ कहते हैं, जो कुछ राइटर्स हैं वो कहते हैं कि हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन 8 भागों में ही है। ट्रेडिशनल जो राइटर्स हैं वो ट्रेडिशनल राइटर्स कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काउंट करने हैं अपने को। लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं, मॉडर्न जो इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उस मॉडर्न इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 9 या 10 पढ़े जाते हैं।
हम बात कर लेते हैं कि पहले 8 क्यों पढ़ते थे, अब 10 कैसे पढ़ लेते हैं, क्या कुछ ज्यादा ऐड हो गया, ऐसा वैसा कुछ है तो अपन बात कर लेते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपन एक एक नाम लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ये हम मेरे हिसाब से तो 5वीं या 6वीं क्लास में ही अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया था कि नाउन क्या होती है, और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम हिंदी में तो अपन जानते ही हैं, इंग्लिश में भी हम सीख लेंगे कि नाउन्स कैसे होती है, किस प्रकार की नाउन्स होती है, कहते किसे है नाउन, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवन कंजंक्शन, एट एंड द लास्ट वन इंटरजेक्शन। जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी, उसके अंदर यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए थे। अब नया क्या ऐड हो गया, तो पहली चीज तो अपने को यह क्लियर कर लेनी है कि नया कुछ भी नहीं है। इन्हीं में से एक जो टॉपिक था, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच था, उसको दो भागों में बांट के एक कुछ भाग था जो उसमें से अलग कर दिया गया था, और वो पढ़ना शुरू किया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम बड़ी आसानी से जानते हैं, अच्छे से पता है हमें आर्टिकल्स अ, एन और द होता है। ये आर्टिकल्स पहले पढ़े जाते थे एडजेक्टिव के साथ में, ये आर्टिकल्स पहले एडजेक्टिव के साथ में पढ़े जाते थे, फिर कहा कि नहीं एडजेक्टिव का जो टॉपिक है काफी बड़ा हो गया है, इसमें बहुत सारी चीजें आने लग गई है, तो एडजेक्टिव का कुछ पार्ट, आर्टिकल वाला जो पार्ट था उसको अलग कर दिया गया। जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे वो तो 8 ही मान रहे थे, जो मॉडर्न राइटर्स हुए उन्होंने उसको एक पार्ट को हटा के आर्टिकल्स को अलग कर दिया और कहने लगे कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने को काउंट करने हैं, मानने हैं, नो। इसके बाद में जो अभी लेटेस्ट जो अंग्रेजी के जो राइटर्स हैं वो कहते हैं नहीं, इस एडजेक्टिव में से एक पार्ट और है उसको भी आप अलग कर दो, उसको भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग नाम देके ही पढ़ना है। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमिनर्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, और हम जब पढ़ेंगे हम डिटेल वाइज एक एक टॉपिक, हर एक अपने को हर पॉइंट पे जो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर हम एक डिटेल क्लास लेंगे। मैं एक बार नाम वापस पढ़ देता हूं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नाउन डिटेल में अभी पढ़ेंगे अपन, इसी वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे। नाउन कहते हैं संज्ञा को, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम, ये संज्ञा ये सर्वनाम, वर्ब क्रियावदी ही है, एडजेक्टिव ये विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग होते हैं, कंजंक्शन संबंधवाचक शब्द होते हैं, इंटरजेक्शन
विस्मयबोधक शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, पूर्वसर्ग, संबंधवाचक शब्द, विस्मयबोधक शब्द, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को कुछ भी नहीं कहते हिंदी में, इनको अपने को आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स ही पढ़ना है। तो इस तरीके से अपन 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कह दिया है अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो कोई सा भी वर्ड हो इन्हीं 10 में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इन कैटेगरी से बाहर का हो। सारी जो अंग्रेजी है वो इन 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही समाहित है। तो हम ये कह सकते हैं अगर अपन ने इनको ढंग से पढ़ लिया और अगर अपन को ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनमें अगर अपन एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वी आर एबल टू लर्न, वी आर एबल टू टीच, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल वेल एंड वेरी वेल। तो ये अपने को आराम से ध्यान से वीडियो वाइज टॉपिक वाइज अपन इनका अध्ययन करेंगे। अब हमारा फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन काफी बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, इसके लिए इसका कुछ हिस्सा अपन नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अपन एक बार बात कर लेते हैं नाउन क्या होती है। देखो हमने छोटे क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाने वाले शब्दों को या इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ कुछ हद तक तो ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, कुछ कुछ हद तक ठीक है। हम इसको एकदम एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट वे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, फिर कितने प्रकार की होती है, इसका नाउन, नाउन का नंबर और नाउन जेंडर से इसका क्या रिलेशन है, वो भी सारी बात अपन इसी टॉपिक में करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। नाउन इज अ वर्ड। जब भी हम आगे पढ़ेंगे, जब भी मैं नाउन का नाम लूंगा, मैं जिस शब्द के लिए कहूंगा मैं वहां पे नाउन वर्ड यूज करूंगा। केवल नाउन नहीं बोलूंगा मैं वहां पे यही पूछूंगा ये इसका क्या नाउन वर्ड है, मैं नाउन वर्ड की बात करूंगा। किस लिए, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स A noun is a word that names any person, oblique, place, oblique, thing, oblique, idea, oblique, emotion, etc. संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है, संज्ञा खुद कोई नाम नहीं होता। हमने कह दिया कि भाई इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रही है तो वो उसका नाम नहीं है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनको नाम देता है। मतलब जैसे नाम आ गया, मान लो कि ये नाम है राम, तो ये जो राम है अगर अपन पुरानी परिभाषा के हिसाब से पढ़े तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसका तो नाम, ये व्यक्ति का नाम है, इसका नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब राम को खुद को संज्ञा बोलेंगे क्या? नहीं। एक व्यक्ति था उसके नाम को दर्शाने वाला जो शब्द है, इस व्यक्ति का नाम है राम, तो इस व्यक्ति को दर्शाने वाला वर्ड राम हुआ। तो ये जो राम वर्ड है इसकी खुद की जो संज्ञा है वो संज्ञा कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिटेल में पढ़ेंगे अपन संज्ञा कितने प्रकार की होती है, लेकिन फिलहाल ये जान लेना है कि a noun is a word that names, संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव इनको नाम देता है। इनको नाम देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। पर अपनी क्या है, अपनी आदत है कि हमने पुराने टाइम से यही पढ़ा है, शुरू से यही पढ़ा है
कि व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं इसीलिए जानबूझ के आगे नाउन वर्ड ही यूज करूंगा ताकि अगर अपन उस परिभाषा को भी कंटिन्यू करें तो हमारी वो परिभाषा भी गलत ना हो। तो मैं इसको नाउन वर्ड कहूंगा। नाउन वर्ड है राम, नाउन वर्ड है राम। नाउन क्या है? नाउन इसकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो इसकी नाउन हो गई, लेकिन अब जब अगर बात राम की आएगी तो अपन उसको नाउन वर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई परिभाषा की। हिंदी में समझ में आ रहा तो हिंदी में समझ लें, अगर इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो वो ठीक रहेगा। वैसे भी अगर अगर इसको इंग्लिश में समझे तो बेटर है। और अपना ये इश्यू नहीं है कि नाउन किसे कहते हैं, अपना मेन इश्यू जो है वो ये है कि नाउन्स कितने प्रकार की होती है, नाउन्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, और जो वर्ड अपन ने चुना है उसकी एग्जैक्ट नाउन अपन बता पाए या नहीं बता पाए। दैट्स एन इश्यू फॉर अस। ये कोई इश्यू नहीं है कि भाई इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर आपको वो ये पुराने वाली परिभाषा याद रहती है कि व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट परिभाषा तो यही है, नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव विचार आदि को नाम दे। ये जो नामकरण करने की प्रक्रिया है उसको समझ लो कि आप ये नाउन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कितनी प्रकार की नाउन होती है। नेक्स्ट अपने पास जो चीज है वो ये है कि टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने प्रकार की होती है। देखो अपन ने छोटी क्लासेज के अंदर पढ़ा है, अपन जब हिंदी जब पढ़ी है उसके अंदर अपन ने नाउन्स पढ़ी है कि भाई 5 प्रकार की या 6 प्रकार की या 4 प्रकार की जितनी भी होती है, व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक होती है, समूहवाचक होती है, इस प्रकार की संज्ञा अपन ने नाउन्स अपन ने पढ़ी है। लेकिन इंग्लिश के अंदर जब हम बात कर रहे हैं नाउन्स की तो हमें पहले इसका सही कैटेगराइजेशन करना होगा। हम मानते हैं कि भाई इंग्लिश में भी नाउन है वो 5 प्रकार की ही होती है, लेकिन उससे पहले उसका जो सही कैटेगराइजेशन है वो ये है कि नाउन्स 2 प्रकार की होती है। अपन एक छोटे से डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। नाउन्स 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। काउंटेबल नाउन्स, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स एक काउंटेबल नाउन्स, दूसरी अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे नाउन वर्ड्स जिनकी गिनती की जा सकती हो वो काउंटेबल नाउन्स में आएगी। भाई अंग्रेजी में तो 2 ही नाउन्स आती है, एक तो वो जिनकी काउंटिंग हो सकती हो, दूसरी वो जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती हो। अब बॉय है तो अपने को पता है बॉय हो बॉयज हो उनकी काउंटिंग की जा सकती है, गिनती की जा सकती है, वो काउंटेबल में आ जाएगी। अगर अपन बात करें गोल्ड तो गोल्ड की काउंटिंग नहीं होती, उसका एक मेजरमेंट हो सकता है लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होती। जिनकी काउंटिंग हो सकती है वो काउंटेबल नाउंस हो जाएगी, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल नाउंस हो जाएगी। इसमें लिख देता हूं विच कैन बी काउंटेड, और दूसरा विच कांट बी काउंटेड। 2 ही प्रकार की मेन रूप से नाउंस होती है। इन 2 को आगे इस काउंटेबल नाउंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है और अनकाउंटेबल नाउंस जो उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, और इस प्रकार अपने पास 5 प्रकार की नाउंस आ जाती है। तो ये जो 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स हैं इनको अपन इनका भी एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को याद रखने में आसानी रहे। नाउन
काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता हो, इसमें जो फर्स्ट नाउन आती है वो है प्रॉपर नाउन, सेकंड जो नाउन आती है वो है कॉमन नाउन, और तीसरी जो नाउन आती है वो है कलेक्टिव नाउन। इधर जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो ऐसे संज्ञा शब्द जिनको गिना नहीं जा सकता हो, संख्यात्मक रूप से गिना नहीं जा सकता हो, दो भागों में बांट देते हैं, एक हो जाएगी मेटेरियल नाउन और ये लास्ट हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी अर्थ भी बता देता हूं कि थोड़ा अपने जो मदर टंग है उसमें थोड़ा याद रखना अपने लिए आसान रहेगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अपने को अगर इनको डिटेल में भी पढ़ें तो ये इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है कि अपने समझ में ना आए। देखो प्रॉपर नाउन क्या होती है, वो संज्ञा शब्द जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हो, एक व्यक्ति विशेष की बात करते हो, वो नाम पढ़ के अपने को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता चले तो वो संज्ञा शब्द है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा राम, अब राम का नाम लेते ही एक पर्टिकुलर व्यक्ति की शक्ल अपने दिमाग में आती है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अपने को ख्याल आता है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अमित लिख दिया, ये भी प्रॉपर नाउन है। सीता लिख दिया, वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में वो संज्ञा शब्द आएंगे जिससे अपने को व्यक्ति का तो पता चलेगा लेकिन वो पर्टिकुलर व्यक्ति का अपने को पता नहीं चलेगा कि हाँ ये फिक्स वही व्यक्ति है। उससे अपने को ये तो पता चल जाएगा कि वो किसी जीवित व्यक्ति की बात की जा रही है लेकिन वो पर्टिकुलर को अपने को उसका पता नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने लिख दिया बॉय, अब मेरे सामने 10 जने बैठे हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हैं, उन सबको मैं बॉय की कैटेगरी में रख सकता हूं। मान लो मेरी क्लास चल रही है और क्लास के दौरान मेरे पेन में स्याही खत्म हो गई, स्याही खत्म हो गई, मुझे किसी से स्याही मंगवानी है तो मैं ये कहता हूं एक लड़का जाके स्याही लेके आ जाए, तो वहां पे जितने भी लड़के बैठे हैं उन सब के लिए वो बॉय वर्ड है वो लागू होगा। लेकिन वहीं पे एक राम नाम का लड़का बैठा है, मैंने वहां पे उसका नाम लिया राम, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, वो पर्टिकुलर में उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बॉय कहा है तो मैं पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में बस इतना सा ही फर्क है। तो ये जातिवाचक संज्ञा में जैसे ये बॉय आ गया, गर्ल आ गया, मैन आ गया, ये जो वर्ड है ये हमें व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जीवित व्यक्ति के बारे में बताते हैं लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हमें नहीं बताते। इन शब्द को लेते हुए अपने दिमाग में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तस्वीर अपने दिमाग में नहीं बनती। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ये दो संज्ञा है तो मेरे हिसाब से ये दो नाउन से ये तो आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स और कॉमन नाउन्स कई बार अपने को कंफ्यूज करती है क्योंकि ये करीब करीब कई बार एक जैसी लगती है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन होगी वो आपको ग्रुप को शो करेगी, समूहवाचक जो संज्ञा होगी वो एक ग्रुप को शो करेगी। जैसे बॉय है ना, इससे लड़के का अपने को पता चल रहा है लेकिन एक ग्रुप को शो नहीं कर रहा। इसमें जो वर्ड आएगा वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया ए ग्रुप ऑफ कैटल, मतलब अपने मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उनका ग्रुप, तो उस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, तो उस ग्रुप के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है हर्ड।
अब ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे केटल वर्ड काम में लिया जाए, केवल केटल की बात करें, तो ये वर्ड जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि ये एक जाति को शो कर रहा है। पशु, पशु में किसी पर्टिकुलर पशु का नाम नहीं है, ये एक जाति को शो कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वहीं पर इसके आगे मैंने जोड़ दिया है ग्रुप ऑफ, मतलब में बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मवेशी हैं साथ में हैं, तो उनके लिए मैं एक वर्ड काम में ले रहा हूं, हर्ड। तो ये जो हर्ड वर्ड है, ये एक समूह को दर्शा रहा है, एक ग्रुप को दर्शा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप को दर्शा रहा है इसलिए चला जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। ठीक, जैसे मान लो ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह होता है, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनका 11 खिलाड़ियों का एक समूह बना दिया जाए, उन 11 के 11 को मिक्स में कहते हैं टीम। ये जो टीम वर्ड है, ये ग्रुप को शो कर रहा है, क्योंकि ये ग्रुप को शो कर रहा है इसलिए किसमें चला जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अगर यहां बात केवल प्लेयर की होती तो वो प्लेयर जातिवाचक संज्ञा में जाता। और आगे बात कर लेते हैं, मान लीजिए आ जाए ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का एक समूह है, केवल बर्ड वर्ड होता तो उसको कलेक्टिव कॉमन नाउन में ले लेते अपन, लेकिन यहां पे बर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, मतलब ऐसा शब्द, कोई ऐसा शब्द जो पक्षियों के झुंड को, पक्षियों के समूह को दर्शाए, तो उस वर्ड को अंग्रेजी में बोल देते हैं फ्लॉक। ये फ्लॉक जो वर्ड बोला है, ये फ्लॉक जाएगा कलेक्टिव नाउन में। अगर केवल बात बर्ड्स की होती तो वो कॉमन नाउन में जाती। इस फ्लॉक वर्ड के साथ मैं आपको एक मुहावरा, एक कहावत याद करवा रहा हूं, बहुत ही शानदार से, अमेजिंग सी कहावत है ये, देखो आपको पता है, शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है वो शराब पीने वाले के पास में ही जाके बैठता है, उनका एक ग्रुप होता है। कोई लुटेरा है, लूट करने वाला व्यक्ति है, तो उसके लुटेरे से ही बनती है। उसी प्रकार एक चोर होता है, उसकी संगत भी, उसका ग्रुप भी, उसका साथ भी चोर के साथ होता है। इस वजह से हमारे हिंदी में एक कहावत, एक मुहावरा था, चोर चोर मौसेरे भाई, कि एक चोर दूसरा चोर वो दोनों भाई के जैसे ही होते हैं। अब हिंदी में तो क्या है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ पे चोर की मीनिंग थी, पर भाई की ब्रदर, मौसेरे की मैटरनल, जो भी है जुड़ा हुआ वर्ड है, ऐसे शब्द है। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में ये जो कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, उसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं, द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, अगर आप इसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स, बर्ड्स पक्षी, ऑफ सेम फेदर्स जिनके समान पंख होते हैं, वो पक्षी जिनके समान पंख होते हैं, फ्लॉक टुगेदर, वो साथ में झुंड बना के बैठते हैं। कौवा हुआ और चिड़िया हुई, वो झुंड बना के नहीं बैठेंगी, लेकिन एक चिड़िया दूसरे चिड़िया के साथ झुंड बनाएगी, एक कौवा दूसरे कौवे के साथ झुंड बनाएगा, मतलब जिनके गुण समान होते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके समान होती है, एट्रीब्यूट जिनके समान होते हैं, जिनके गुण समान होते हैं, वो साथ में रहते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। ये जो फ्लॉक वर्ड है, इससे अपन ये कहावत सीख सकते हैं, द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई हिंदी में ऐसा बोलते हैं। ये तीन नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, तीनों ही स्थितियों में इनको गिना जा सकता है। राम नाम है तो राम नाम का एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, पांच व्यक्ति है, कैन बी काउंटेड, गिनती की जा सकती है। दस व्यक्ति, दस जने बैठे हैं, उनके अलग अलग नाम है, उनकी गिनती अपन कर सकते हैं। अगर बॉयज की बात हो तो बॉयज भी गिने जाने वाले ही है, उनकी भी गिनती संभव है, एक क्लास में कितने बॉयज है इनकी गिनती की जा सकती है।
समूह वाच कलेक्टिव नाउन है, इसमें भी जो ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप के अंदर जो भी आते हैं उनकी गिनती समूह है, एक झुंड है उसमें कितने पक्षी हैं या कितने पशु हैं उनकी गिनती की जा सकती है, टीम है कोई कमेटी है उसमें कितने जो भी सदस्य हैं उनकी भी गिनती की जा सकती है, एक जज होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस उसको ज्यूरी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं। तो ये जो ज्यूरी वर्ड है ये ग्रुप को शो करता है, ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब उसमें कितने जज हैं उनकी गिनती की जा सकती है। तो मैंने ये जो आपको तीन प्रकार के नाउन बताइए इसमें जो वर्ड आ रहे हैं जो नाउन वर्ड्स आएंगे दोज नाउन वर्ड्स कैन बी काउंटेड एंड सिंस दैट कैन बी काउंटेड दैट्स व्हाई वी से दिस नाउन काउंटेबल नाउन, इस वजह से हम इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ऐसे संज्ञा शब्द जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी काउंटिंग संभव नहीं हो। इसमें दो पार्ट किए हुए, एक मटेरियल नाउन किया हुआ है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया हुआ है। मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में क्या आता है, मटेरियल नाउन में नाम इज अ मटेरियल है तो इसमें मटेरियल ही आएगा। अब मटेरियल किस किस को बोलते हैं आप, लिक्विड से, लिक्विड से, लिक्विड्स की गिनती संभव नहीं है। लिक्विड्स में ऑयल आ जाता है, बटर मिल्क आ जाती है, वाटर आ जाता है, दूध है, दही है, घी है, ये सब लिक्विड्स में आते हैं। दूसरे जो एडिबल्स हैं मतलब जो अपने खाद्य पदार्थ वगैरह होते हैं, अपना जो अनाज होता है उसकी गिनती संभव नहीं है। शक्कर होती है उसकी गिनती संभव नहीं है, नमक होता है उसकी गिनती संभव नहीं है, ठीक है, भोजन होता है उसकी फूड की गिनती संभव नहीं है, वो सारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। केमिकल्स हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं उनकी भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, जो रसायन है उनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। मेटल्स धातुएं हैं, सोना चांदी वगैरह जो भी है उनकी भी गिनती संभव नहीं है। इसके अलावा गैसेस, गैसें होती है अलग अलग प्रकार की गैसें होती है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनकी भी काउंटिंग नहीं होती। ये भी किसमें आती है, मटेरियल नाउन में, ये भी मटेरियल नाउन में आती है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। हाँ, अब ये इतनी सारी नाउन हो गई, अब अपने पास बचती है लास्ट प्रकार की जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा में सबसे पहली जो चीज आती है वो है इमोशंस, फीलिंग्स। अपनी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अगर उनको कोई वर्ड दिया है अपने, उनको कोई नाम दिया है तो वो नाम भाववाचक संज्ञा में आएगा। स्टेट ऑफ ए वर्ब, क्रिया की वजह से कोई स्थिति बनी है तो वो भी इसमें भाववाचक संज्ञा में ही आएगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वर्ड है हैप्पीनेस, हैप्पी वर्ड तो एडजेक्टिव होता है, हैप्पी वर्ड से हैप्पीनेस जो वर्ड बना, खुशी, खुशी एक प्रकार की अपनी इमोशन है, एक प्रकार की अपनी फीलिंग है, ये जो फीलिंग है तो इस वजह से हैप्पीनेस जो वर्ड है वो किसमें जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। अच्छा एंग्री, एंग्री तो नाउन ही नहीं होती, एंग्री तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो गुस्सा हो गया हो, ठीक है, तो एक तरीके से ये एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ये विशेषता बता रहा है उसकी, ठीक है। ही वॉज ए एंग्री मैन, तो मैन के पहले आया, मैन हुई नाउन, नाउन के पहले आया हुआ तो एडजेक्टिव है। लेकिन इस एंग्री के बजाय एंगर वर्ड आ जाए तो ये गुण बन जाता है, ये एक इमोशन बन जाती है, खुशी, खुशी एक इमोशन है, एंगर गुस्सा,
गुस्सा भी एक इमोशन है, ये अपनी एक फीलिंग है। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, ऑनेस्टी, ये जितने भी प्रकार के जो अपने गुण दर्शाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दर्शाते हैं, इमोशंस दर्शाते हैं, फीलिंग्स दर्शाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड अपने आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्टेट ऑफ ए वर्ब, स्टेट ऑफ ए वर्ब मतलब किसी क्रिया की कोई स्थिति। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि सोना, स्लीप। स्लीप के दो अर्थ निकाल सकते हैं अपन, स्लीप एंड सोना भी होता है क्रिया के रूप में, और स्लीप का मतलब नींद भी होता है, वो एक स्थिति है। नींद एक स्थिति है, नींद लेना एक क्रिया है, नींद में होना एक स्थिति है। तो ये जो स्लीप वर्ड है, अगर इसको नाउन के रूप में काम में लिया जाए तो फिर वो कौन सी नाउन में आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा, भाववाचक संज्ञा में ही आएगा, ये अपने को याद रखना है। तो इस प्रकार अपने पास जो पांचों संज्ञा है वो मैंने लिख दी है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको गिना जा सकता हो, अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता हो। काउंटेबल के तीन पार्ट, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर व्यक्ति विशेष की बात करता है, कॉमन व्यक्ति की तो बात करता है लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करता, कॉमन व्यक्ति की बात करता है, ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो सब पे लागू हो, ऐसे वर्ड की बात करता है जो कॉमनली काम में आ जाए, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन ये है कॉमन नाउन के जैसे, लेकिन ये ग्रुप को शो करता है। अगर ये ग्रुप को शो कर रहा है, अगर कोई भी वर्ड है वो ये ग्रुप को शो कर रहा है, तो फिर वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं हैं, मटेरियल नाउन मैंने आपको बता दिया, इसमें समस्त प्रकार के मटेरियल्स आते हैं, इसमें समस्त प्रकार के लिक्विड्स आते हैं, इसमें समस्त प्रकार की गैसेज आती है, और भी कई सारी चीजें हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, पर वो एक पदार्थ में है। अगर वो पदार्थ है काउंट नहीं कर सकते तो फिर वो मटेरियल नाउन में, अगर पदार्थ है काउंट कर सकते हैं, गिनती संभव है, तो फिर वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा, कॉमन में चला जाएगा या कलेक्टिव में चला जाएगा, जिसकी भी बात हो। और लास्ट जो अपने पास नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण है, इमोशन, फीलिंग्स, इसमें ये में ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स भी लिख देता हूं, मतलब गुणों की बात, गुण भी इसी में आते हैं, ठीक है। अवगुण है, देखो कभी कई कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि इसमें बहुत, किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं, तो गुण से अपन हमेशा उसको मान लेते हैं, हमेशा हम उसको पॉजिटिव सेंस में ले लेते हैं, लेकिन गुण ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस रखता है। गुण केवल गुण का है, उसके अंदर गुण है, किस प्रकार का गुण है, इट इज नॉट क्लियर। अगर अच्छे गुण है तो फिर आप सद्गुण को, अगर बुरे गुण है तो अवगुण को। भाई गुण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, गुण तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ना। और स्टेट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब से कोई स्थिति बनती हो, क्रिया है लेकिन क्रिया से एक स्थिति बन गई है, तो वो स्थिति को जो शो है करेगा, जो उसका जो संज्ञा शब्द होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। तो इस प्रकार ये अपने नाउन की क्लास है भाई। अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें नाउन है, और नाउन में अपन ने डिटेल से नाउन पढ़ ली है। अब नाउन्स का, वैसे तो नाउन्स जितने प्रकार की होती है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपन अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, किस नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस नाउन की क्या परिभाषा होती है, आसानी से अपन समझ लिया है। नाउन से रिलेटेड दो टॉपिक और हैं, थोड़ा सा अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा, इन टॉपिक्स के बारे में, और इनकी जो डिटेल जो चर्चा है वो अपन किसी और लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हम बात जब नाउन की कर रहे हैं तो और भाई ये नाउन से अटैच्ड हैं ये जो टॉपिक हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देना जरूरी समझता हूं। नाउन से जुड़े हुए दो बहुत ही जरूरी टॉपिक, एक तो नाउन नंबर, दूसरा नाउन जेंडर। एक तो है नाउन नंबर और दूसरा है नाउन जेंडर। नंबर से मतलब होता है वचन, जेंडर से मतलब होता है लिंग। अब आपको भले आप ऐसे नाउन नंबर से ना समझ पाओ, लेकिन जब मैंने बात वचन की कही है तो आपका दिमाग जरूर चल गया होगा कि मैं अब क्या बताने वाला हूं आपको। जी बिल्कुल, मैं वही बताने वाला हूं आपको। एक तो
नंबर में आ जाता है सिंगुलर नंबर, और दूसरा आ जाता है प्लूरल नंबर। मैं आपको इनके बारे में ज्यादा हाई अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बेसिक की पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एडवांस्ड इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद में कुछ कौन से ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर दिखते हैं बट एक्चुअल में प्लूरल होते हैं, या प्लूरल दिखते हैं पर एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। अभी अपन जब बात बेसिक की कर रहे हैं तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, प्लूरल नंबर किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा संज्ञा शब्द जो एक को शो करता हो, वन को शो करता हो, वो जाएगा सिंगुलर नंबर में। कोई भी ऐसा वर्ड जो मोर देन वन को शो करता हो तो वो जाएगा आपके प्लूरल नंबर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक वर्ड दे दिया, जैसे कि BALL, बॉल, बॉल जो वर्ड है। अब आपसे इसमें दो बातें पूछी जा सकती है, एक तो इसकी नाउन क्या है, एक इसका नाउन नंबर क्या है। नाउन में तो ये वस्तु है और काउंट की जा सकती है, गेंदों की गिनती की जा सकती है, बॉल की गिनती की जा सकती है। काउंट की जाने वाली तीन नाउन पढ़ी है अपन ने काउंटेबल के अंदर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। व्यक्ति ये है नहीं, ग्रुप ये शो कर नहीं रही, तो बची क्या, जातिवाचक संज्ञा बची, तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन में गया। कई बार क्या होता है कि अपने को ये पता नहीं होता कि ये किस में आएगी, लेकिन उसका आंसर अपन ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये किस में नहीं आएगी। एक बार अपने को ये पता चल गया कि किस में नहीं आएगी, तो अपने ये भी पता चल जाएगा कि अगर उन जैसे मान लो कि जैसे अभी मैंने कहा बॉल, मान लो मेरे को ये पता नहीं था ये कॉमन नाउन में, तो मैंने ये पता कर लिया कि किस में नहीं आ रही। मुझे पता है ये व्यक्ति को शो नहीं कर रही थी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मुझे पता है ये किसी ग्रुप को शो नहीं कर रही, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो फिर बचती तो एक ही है, कॉमन नाउन बचती है, क्योंकि काउंटिंग तो की जा सकती है गेंद की, तो ये कॉमन नाउन में आ गई। अब बात की जाए इसकी नंबर की, अब इस वर्ड से अपने को पता चलता है कितनी गेंदों की बात चल रही है, एक गेंद की बात चल रही है, क्योंकि अगर ये एक से ज्यादा गेंद की बात होती थी ये बॉल्स होता, लेकिन यहाँ पे एक ही गेंद की बात चल रही इसलिए बॉल है, बॉल है, ये सिंगुलर नंबर में चला गया। तो फुल में इसको ये कह सकते हैं सिंगुलर नंबर नाउन, टोटल में मिला के इसको ये कहा जा सकता है। तो ये याद रखो, सिंगुलर नंबर मतलब वन, प्लूरल नंबर मतलब मोर देन वन। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, एक तो ये याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर ही होती है, इसके साथ कुछ भी जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मतलब राम नाम है तो उसको राम्स नहीं किया जा सकता, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जो मेटेरियल नाउन है उसको भी हमेशा सिंगुलर नाउन के जैसे ही यूज करते हैं। कैसे भाई, जब इसको एक पानी, दो पानी, तीन पानी कहा ही नहीं जा सकता, जब इसको एक पानी, दो पानी, तीन पानी कहा ही नहीं जा सकता, तो इसमें अपन प्लूरल की तो बात ही छोड़ दें, सोचना ही गलत है। वाटर का वाटर अपन यूज नहीं कर सकते, पानी का पानी, ये क्या होता है, तो होता ही नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये जो मेटेरियल नाउन है इनके साथ एस लगाने से कुछ और वर्ड बन जाए तो बात अलग है। जैसे इसी वाटर का उदाहरण ले लेते हैं अपन, वाटर यानी पानी है,
टेस्ट लगा के अपन ने पानी का बहुवचन बनाना चाहा तो पानी यूं पानी ऐसा तो कुछ होता नहीं, वो तो प्रैक्टिकली गलत है। लेकिन अगर वॉटर के साथ अपन ने एस लगा दिया तो इससे ये अंग्रेजी में एक नया वर्ड बन गया, और ये जो वॉटर्स हैं ये अक्सर जल स्रोतों के लिए काम में लिया जाता है। कोई जल स्रोत होता है, महासागर होते हैं बड़े बड़े जो पानी के, मान लो समुद्र होते हैं, उनके लिए भी कई बार ये वॉटर्स वर्ड यूज किया जाता है। ये प्लूरल नहीं है, फिर भी ये प्लूरल नहीं है, रहेगा तो वो सिंगुलर ही, ये प्लूरल नहीं है। फर्क इतना है कि ये पानी नहीं रहा, ये कुछ और ही वर्ड बन गया। तो याद रखिएगा मटेरियल नाउन है उसको भी अपन हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में ही यूज करते हैं, ये कभी प्लूरल नहीं होती। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको प्लूरल बनाने के लिए इतना याद रखना है कि आपको ये जो मटेरियल नाउन है इसके पहले आपको कोई यूनिट जोड़नी पड़ेगी। जैसे पानी की यूनिट क्या होती है, पानी को मापने की इकाई क्या होती है, लीटर, लीटर हुई। तो आप ये जो वॉटर वर्ल्ड है इसके पहले लीटर जोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे बात किया जाए कि हाउ मच वॉटर डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितना पानी चाहिए, आई वॉन्ट 2 लीटर्स, ये कहा जा सकता है। चलो मैं इसकी एक और यूनिट लेता हूं, आजकल पानी बोतलों में मिलता है, मैंने यहां पे वर्ड बोतल यूज कर लिया, अब मैं इसका प्लूरल बना सकता हूं, 2 बोटल्स ऑफ वॉटर, पानी की 2 बोतलें। लेकिन मैं कभी भी वॉटर का 2 वॉटर्स नहीं कह सकता, ये प्रैक्टिकली गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है, ये वर्बली भी गलत है, ये सही नहीं हो सकता। मटेरियल नाउन हमेशा ही सिंगुलर नाउन के रूप में ही यूज की जाएगी। अगर आप चाहते हो कि उसको किसी प्रकार से प्लूरली यूज करूं मैं, तो उसके लिए आपको उसकी यूनिट काम में लेनी पड़ेगी। ये कहानी है नाउन नंबर की, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। और लास्ट जो आज का जो टॉपिक है इसी के साथ नाउन भी करीब करीब समाप्त है उसमें। हाँ ये जरूर है कि इन्हीं 2 टॉपिक को अपन डीप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसका वक्त अपने पास नहीं है, अपन अभी ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है ये बहुत लंबा होने वाला है, इसमें बहुत सारे बड़े लेक्चर्स बनेंगे, बड़े वीडियोस बनेंगे। इस जो नाउन, ये जो सिंगुलर है, प्लूरल है, नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है, इसका जो एडवांस्ड फॉर्म है वो अपन अपना बेसिक कंप्लीट होने के बाद में पढ़ेंगे। पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं, एक बार हम थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए तो उसके बाद भी इसको एडवांस फॉर्म में भी अपन चलेंगे, बात करेंगे, जब अपन स्पोकन की भी बात करेंगे और ये जो दूसरी चीजें हैं ये भी देखेंगे। चलिए ये बारी आती है अब अपने नाउन जेंडर की। तो नाउन जेंडर के अंदर जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर क्या होता है, जेंडर से मतलब अपना ये है कि वो बताए कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का बोध करा रहा है या दोनों का ही बोध करा रहा है या दोनों का ही नहीं करा। स्थितियां ही 4 हो सकती है, इस 4 के अलावा कोई स्थिति नहीं बन सकती भाई। वो या तो पुरुष जाति का बोध कराएगा, अगर वो पुरुष जाति का कराएगा तो उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, पुलिंग बोल देते हैं। अगर वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग, अगर दोनों का ही करा रहा है तो उभयलिंग, और अगर दोनों का ही नहीं करा रहा तो फिर नपुंसकलिंग, ठीक है। अब पुलिंग याद रखने का तरीका बता देता हूं, स्त्री और पुरुष में से ज्यादा मसल्स किसके होती है, ज्यादा मांसपेशियां किसके होती है,
कॉमनली आप किसके देखते हो, सिक्स पैक किसके देखते हो? पुरुषों के देखते हो मसल्स नॉर्मली। हाँ अपवाद स्वरूप कई स्त्रियां भी होती है, लेकिन अपन बात पुरुषों की कर रहे हैं। नॉर्मली पुरुषों में ही मसल्स पाई जाती है और मस्कुलर, इसी वजह से नाम पुलिंग के लिए पड़ा है। तो ये पुलिंग का तो मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा स्त्रियों के लिए, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन क्या होता है? फीमेल से ही तो बना है भाई, फीमेल से ही तो बना है। इसका एफ ई एम ले लिया, यहां लगा लिया फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। उभयलिंग, उभयलिंग क्या होता है? मतलब जिसमें दोनों ही प्रकार के लिंग हो, मतलब ऐसा वर्ड जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध करवा दे, तो उभयलिंग हो गया। उभयलिंग को अपन बोल देंगे कॉमन जेंडर। और लास्ट बचा नपुंसक लिंग। अपने गाड़ी है होती है, बाइक होती है ना, ये बाइक को छोड़ो आप, तो ये मानो बाइक मत मानो, आप फोर व्हीलर मानो। फोर व्हीलर में तीन फेज में चलती है गाड़ी। एक तो गाड़ी आगे चले, एक गाड़ी पीछे चले, एक गाड़ी एक जगह रुकी रहे, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, जो ना प्लस में है जो ना माइनस में। कहने का मतलब जिसका कोई लिंग एक्चुअल में है नहीं, वो नपुंसक लिंग हो गए। मैंने ये गाड़ी वाला उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि इसको अंग्रेजी में न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल, न्यूट्रल, नपुंसक लिंग। एग्जांपल देख लो, रोहित किसमें आएगा? पुरुष जाति का बोध करा रहा है पुलिंग में। बॉय किसमें आएगा? लड़का, पुलिंग को शो कर रहे हैं। गर्ल ये स्त्री जाति का बोध कर रहा है, तो ये किस में चला गया? स्त्रीलिंग में चला गया। जैसे वर्ड आ गया स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, तो पत्थर जो होता है उसका कोई लिंग नहीं होता, ठीक है? वो ना स्त्री जाति को शो करता है ना पुरुष जाति को शो करता है, वो किस में चला गया? नपुंसक लिंग। अभी वर्ड आ जाए चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या वर्ड है? बच्चा। बच्चे से लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये दोनों का लिंग को शो कर रहा है, तो ये चला गया कॉमन जेंडर में, उभयलिंग में। बेबी लिखा हुआ है, बेबी यानी भी बच्चा होता है, ये भी किस में जाएगा? उभयलिंग में। कुल मिला के बात ये है, पुरुष जाति का बोध कराए मस्कुलिन जेंडर, स्त्री जाति का बोध कराए फेमिनिन जेंडर, दोनों ही जातियों का बोध हो, दोनों ही वर्ग का बोध हो तो कॉमन जेंडर, और उसमें से किसी भी जाति का बोध ना हो, मतलब उसका एक्चुअल में कोई लिंग ही नहीं है, तो फिर वो हो गया नपुंसक लिंग, मतलब न्यूट्रल जेंडर। तो इसी के साथ अपना ये जो नाउन जो टॉपिक है, इसको अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। इस नाउन टॉपिक में अपन ने नाउन्स कितने प्रकार की होती है, नाउन्स कहते किसको है, वो भी अपन ने पढ़ लिया है। नाउन के अंदर छोटे छोटे दो पार्ट और है, नाउन नंबर और नाउन जेंडर, वो भी पढ़ लिया है। नाउन टॉपिक हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था, 9 या 10 पार्ट ऑफ स्पीच में से, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन, वो अपन ने डिटेल से स्टडी कर लिया है। हमारा जो सेकंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा वर्ब, उसको अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे नॉलेज गेन हुआ हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इससे हमेशा अपडेट रहें, ट्यून्ड रहें, ताकि आपको इससे रिलेटेड, हमारे जो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो नए नए लेक्चर्स आपको मिलते रहे, नए नए वीडियोज मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।